रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका पार्ट वन खत्म हुआ है। अब तक यूक्रेन को उत्तर में रशिया को रोकने में काफी हद तक कामयाबी मिली है, पर दक्षिण की कहानी कुछ अलग है। दरअसल बात ऐसी है कि युद्ध में शुरू में रशिया को काफी कामयाबी मिली और रशिया कीव के आउटस्कर्ट एरिया में पहुंच गया था। यूक्रेन ने ड्रोन से हवाई हमले करके और गोरिल्ला वॉरफेयर करके रशिया को काफी हद तक रोका था। इस स्ट्रेटेजी का मुकाबला करने के लिए दक्षिण में रशिया ने एक अलग स्ट्रेटेजी लगाई। दक्षिण में रशिया ने हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया और यूक्रेनियन आर्मी और यूक्रेनियन समर्थक गुटों पे शेल्स की बारिश कराई। इस तरह के शेलिंग के पीछे का मकसद था युद्ध को और लंबा खींचना। इस तरह की शेलिंग से कई यूक्रेनियन समर्थक एक तो मारे गए या फिर घायल हुए। सिवियर्स्की डोनेट्स नदी पे बने हुए यूक्रेनियन ब्रिजों को उड़ा के यूक्रेनियन सप्लाई लाइन्स रशिया ने खत्म कर दी। इस नदी को पार करने के लिए रशिया खुद का एक व्हीकल MT-55A यूज कर रहा है। अब तक यूक्रेन ऐसे कई व्हीकल्स को उड़ा चुका है, पर रशिया ऐसा मामूली नुकसान उठा रहा है क्योंकि रशिया दक्षिण जीत रहा है।